इस मैसेज को आप ध्यान से देखिएगा, ये वही मैसेज है जिस पे आज मैं आपको 7 ट्रिक्स बताऊंगा। यस, इसी मैसेज पे 7 छुपे रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक मैसेज में 7 छुपे रहस्य। यस, क्योंकि आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आज आपके लिए ये वीडियो आ चुकी है। तो वीडियो को जोर से लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। सो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। आप सभी ने सुना होगा कि इस मैसेज को आप सिर्फ 7 मिनट के अंदर ही डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं। इसमें दूसरी ट्रिक आपको ये है, छुपा हुआ रहस्य, कि आप इस मैसेज को 1 घंटे के अंदर तक आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया या फिर कुछ दिनों का मैसेज है तो उसे कैसे डिलीट करूँगा। राइट, यस, आप इस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप WhatsApp को पूरी तरीके से क्लोज कर दीजिए, यानी कि टास्क मैनेजर से आप इसे किल कर दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद अपने नेटवर्क को, डाटा को ऑफ कर दीजिए। तीसरा चीज, टाइम को आप कस्टम सेट कीजिए। जैसे कि आपका मैसेज है 5 बजे का, फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर दीजिए 5:10, 15, 20, 25, 30, 40, यानी कि 1 घंटे के अंदर आप टाइम पीरियड ले लीजिए उस मैसेज के भेजने के बाद का। अब आप WhatsApp में आइए, डाटा को ऑन नहीं करना है अभी। WhatsApp में आइए और उस मैसेज को जब डिलीट करने जाएंगे तो आपको डिलीट फॉर एवरीवन मिल जाएगा, एंड यहां से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप डाटा यूज कीजिए एंड देख सकते हैं इस मैसेज को वहां से भी डिलीट हो चुका है। तो है ना काफ़ी कमाल, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बात करते हैं हम चौथी ट्रिक्स के बारे में। दोस्तों, आपने इस मैसेज को तो डिलीट कर दिया, अब कहेंगे कि यार इस मैसेज को रीड कैसे करूं। मान लो उसने मैसेज को डिलीट कर दिया, अब वो मैसेज में था क्या, कैसे पढूं? इसके लिए आपको एक कोई भी नोटिफिकेशन सेवर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, कोई भी, बहुत सारे हैं, और इसे इंस्टॉल करके, ऑन करके, एक्टिवेट करके छोड़ दीजिए। अब इसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगर कोई आपको मैसेज करता है तो ये मैसेज आपको नोटिफिकेशन सेवर ऐप में भी जाएगा और WhatsApp में भी आएगा। मान लीजिए इस मैसेज को किसी ने डिलीट कर दिया, तो वहाँ पे जाके इस मैसेज को आप रीड कर सकते हैं। तो देखा, अब बात आती है कि अगर मैसेज को तो रीड कर सकते हैं, फोटो, वीडियो, ऑडियो, ये सब को कैसे रीड करेंगे, वापस कैसे देखेंगे? इसके लिए आपको WhatsApp में सेटिंग करना होगा, सारे मीडिया फाइल को ऑन करके रखना है ऑटोमेटिक डाउनलोड में, ताकि यहाँ से डाउनलोड होकर नोटिफिकेशन सेवर ऐप में चला जाए। अब अगर कोई फ़ोटो, वीडियो को कोई डिलीट करता है तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ से तो गायब हो जाएगा, अब वहाँ चला जाएगा नोटिफिकेशन सेवर में। अब नेक्स्ट हमारा रहस्य है कि अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी एप्लीकेशन के आप इस मैसेज को बाद में रीड करें, तो इसके लिए आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का नहीं, दिमाग का। तो आपको क्या करना होगा, सोचिए कि अगर इस मैसेज को कोई डिलीट करने वाला है तो फट से उसका रिप्लाई कर दीजिए उसी के चैट में। तो अगर वो डिलीट करता है तो आपके में से डिलीट नहीं होगा, उसमें से डिलीट होगा। अब बात आती है कि अगर किसी ने वीडियो को डिलीट कर दिया, फोटो को डिलीट कर दिया, तो उसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी आपको दिमाग की ज़रूरत है। मान लीजिए कि वो बंदा उस फोटो वीडियो को डिलीट करने वाला है, तो आप क्या कीजिए, इस फोटो को उसी को रिप्लाई कर सकते हैं,
या फिर अगर आप उस बंदे को या फिर बंदी को नहीं बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा फ़ोटो स्टोर करके रख लिया है, तो आप व्हाट्सएप में एक अपना ग्रुप बना लीजिए अलग से, जिसमें आप ही हो, या फिर बुकमार्क बना लीजिए एंड उसमें आप इस फ़ोटो को फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड इसके बाद समझ गए होंगे आप, तो इस तरीके से आप कुछ छिपे हुए सीक्रेट का यूज कर सकते हैं इसी मैसेज का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।